हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मीडिया हट। एंड आज हम बात करने वाले हैं कोफारेस्ट ड्रॉप के बारे में। और इसकी कंपनी की बात करें तो ये सेंटोर कंपनी की होती है। ये काफ़ी अच्छी कंपनी है सेंटोर। आपने सीनारेस टैबलेट के बारे में सुना होगा, जो कि सेंटोर कंपनी की होती है। और बात करें इसके कंटेंट के बारे में, तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड पाई जाती है। ये 15 ml की छोटी सी ड्रॉप होती है, जो कि 6 महीने से 8 महीने तक के बच्चों को चलाई जाती है, वो भी उनके वेट अनुसार। ये मैक्सिमम जो है 6 मंथ्स तक की होती है। और बात करें इसके अंदर, मैंने आपको कंटेंट तो बता ही दिया है क्या पाया जाता है। इसके अंदर कंटेंट एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। बात करें इसका काम क्या होता है, यानी ये यूज़ क्या है इसका, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, निमोनिया इन्फेक्शन हो जाता है, सर्दी जुकाम जैसे इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो गले में बलगम जम जाता है, तो उसको पिघलाने में एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड काम करता है। एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड जिसका वर्क मैकेनिज़्म है वो कैसे काम करता है। कभी कभी क्या होता है, गले के अंदर बलगम जम जाता है, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो कि हमारे गले के अंदर सांस लेने में भी दिक्कत करता है, तो उसके अंदर एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड का काफ़ी अच्छा यूज़ है। एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड क्या करता है, ये बलगम को जाकर पिघला देता है, जो कि हमारे उल्टी के माध्यम से या खकार के माध्यम से बाहर आ जाए। या छोटे बच्चे होते हैं तो उनको खकार का इतना पता नहीं होता, तो वो पोटी के रास्ते भी बाहर चला जाता है। बात करें इसकी MRP की, तो ये 10 ml के आसपास, 15 ml के आसपास आपको 44 या 50 रुपये के बीच में मिल जाएगी। और इसके हाफ टाइम की बात करें, यानी ये एक बार देने के बाद कितने यूज़ करती है, इसे आप सुबह शाम दे सकते हो, यानी 12 hours का इसका एक टाइम पीरियड होता है। और साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इससे थोड़ी वोमिटिंग आ सकती है बच्चे को, वो इसलिए मैंने आपको बता दिया है क्योंकि एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड क्या करता है, ये जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो म्यूकस मेम्ब्रेन को ख़त्म कर देता है या पिघला देता है, जिससे बच्चे को थोड़ी उल्टी आने की शिकायत हो सकती है, नोज़िया हो सकता है बस, और कुछ ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और एक बार पहले आप इसको लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि ये वीडियो केवल इंफॉर्मेशन के लिए है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।